हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, चुस्त फुर्त तंदुरुस्त होंगे। और कैसा चल रहा है आप लोगों का? तो यहाँ पे हो चुकी है सुबह, सुबह के बज रहे हैं 8। तो सुबह सुबह सबसे पहले मेरी शुरुआत होती है रसोई से, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी मची हुई होती है। परी को स्कूल जाना होता है तो उसके लिए टिफ़िन तैयार करना होता है, परी के पापा के लिए नाश्ता तैयार करना होता है। तो यहाँ पे मैं 2 फुलके सेक रही हूँ, साथ में एक पराठा सेक लूँगी परी के लिए। तो परी पापा के साथ ही नाश्ता कर लेती है और पराठा उसके लंच में मैं पैक कर दूँगी। आलू की सब्जी के साथ नाश्ता हो जाएगा। मैं हाथों हाथ कोशिश करती हूँ कि काम वहीं के वहीं निपट जाए, ताकि अगर थोड़ा लेट भी काम हो तो घर गंदा ना दिखे। तो इससे आप भी कोशिश किया कीजिए कि जो भी थोड़े बहुत रसोई का काम होता है वो हाथों हाथ निपट जाए, तो उससे घर ना काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा लगता है और काम ऐसा नहीं लगता कि काम पड़ा हुआ है। और हाथों हाथ जो घी वी के डब्बे हैं जिस पे आटे का निशान पड़ जाता है, तो उसे मैं कपड़े से साफ कर देती हूँ तो वो भी क्लीन रहता है। परी का लंच बिल्कुल रेडी हो गया है, मैं उसकी वाटर बोतल भी भर दूंगी और सब इकट्ठी करके रख दूंगी ताकि फिर बाद में उसको दिक्कत ना हो। तो ये मैंने उनका नाश्ता ले लिया है। उसके बाद परी ने आज दूध पीने के लिए मना कर दिया, उसने कहा कि आज वो रोटी ही खाएगी, तो वो वहीं पे पापा के साथ नाश्ता कर लेगी, दूध आज वो नहीं पिएगी। उसके बाद मैंने परी को रेडी कर दिया था। उसके बाद दोनों जल्दी जल्दी निकल गए। 9 बजे परी का स्कूल होता है तो सुबह जल्दी मची रहती है। तो आगे की वीडियो मैंने शूट नहीं करी क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, और परी के पापा भी गुस्सा हो रहे थे कि वीडियो की एक लिमिट होती है, फलाना फलाना ठिकाना ठिकाना। तो इसलिए उसके बाद मेरा मन नहीं किया कि मैं आगे की वीडियो शूट करूँ। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लड्डू को लाऊँगी, तो यहाँ पे इस टॉवल्स में मैं उसको रैप कर देती हूँ। इस पर पानी बहुत अच्छे से सोख लेता है, और ये जिस टॉवल से वो खेल रहा है ना, उस पर उसको लेटा के नहलाती हूँ, क्योंकि वो मेरी गोद में नहलाती हूँ तो ना वो पूरा गीला हो जाता है, मैं भी पूरी गीली हो जाती हूँ। फिर सर्दी का मौसम है तो जुकाम वुकाम की टेंशन होती है, तो इसलिए मैं उसको कम्बल पर लेटा के नहलाती हूँ, और वो बड़े मज़े से नहाता है। आजकल वो रोता भी नहीं है। सुबह के ऐसे कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह नहीं होता है, सुबह सुबह कभी हो जाता है कभी नहीं होता है काम। तो कंबल वम्बल सारे काम ऐसे रख पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे लड्डू नहा के आ गया है और मैं उसे कपड़े पहना दे रही हूँ हाथों हाथ। आज मैंने सुबह सबसे पहले लड्डू को नहला दिया, क्योंकि अगर नहीं नहलाती तो फिर
वो अभी उसका सोने का टाइम था ना, तो इसलिए मैंने उसको नहला दिया, नहाते ही वो सो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे लड्डू सो गया है, और नहाते ही नहीं सोया, आधा एक घंटे तक खेला उसके बाद सोया है। तो अब ये सोने सो गया है, तो अब इस जब तक सोएगा तब तक मैं फटाफट सारे घर के काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पे जितने भी गंदे कपड़े थे लड्डू के परी के, सारे मैं मशीन में डाल के आऊँगी। मैंने सोचा था कि आज कपड़े धोऊंगी, फिर मैंने सोचा नहीं शाम को धो लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, तो अगर वो बीच में उठ गया ना तो सारे काम अटक जाते हैं, और कपड़े मुझे छत पे सुखाने पड़ते हैं। तो उसे अकेले छोड़ के जाने में थोड़ी सी लगता है कि नहीं यार, अकेले बच्चे को नहीं छोड़ के जाना। और ये कंबल मुझे धूप में डालनी है, क्योंकि छोटे बच्चों के घर है ना, तो स्मेल भी स्मेल हो जाती है कंबलों में। तो कंबल को मैं छत पर डाल आई हूँ, उसके बाद यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रही हूँ। वो सो रहा है अंदर, तो मैं उसको ज्यादा छेड़ूंगी नहीं, मैंने सामने सामने से ही झाड़ू लगा लिया है। छोटा सा घर है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता झाड़ू पोछा में, फटाफट झाड़ू पोछा हो जाता है। मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया है, उसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा। झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, उसके बाद मैं बिछा लूँगी पायदान। झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन भी हाथों हाथ में साफ कर लूंगी। इससे क्या होता है ना, ये मेन मेन काम हो जाते हैं सुबह के, तो फिर बाद में टेंशन नहीं रहती है कुछ हो या ना हो, क्योंकि लड्डू एक बार उठ जाता है ना तो फिर मुझे भरोसा नहीं होता वो करने देगा कि नहीं करने देगा मुझे काम। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के जो बर्तन बर्तन झाड़ू पोछा, मतलब घर थोड़ा सा क्लीन लगे, बस मेरी इतनी कोशिश होती है। बाकी का काम तो देखो धीरे धीरे चलता रहता है। जो लोग ये ब्लॉग देख रहे होंगे वो ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि मैं मेकअप करके वीडियो क्यों नहीं बनाती हूँ। सही बताऊँ तो मुझे मेकअप करना उतना कुछ खास पसंद नहीं है।
ऐसा नहीं है कि मैं करती नहीं हूँ, करती हूँ पर नॉर्मल करती हूँ, और कभी कभी करती हूँ जब मन करता है तब। छोटे बच्चों के साथ जितनी देर में मेकअप करने जाऊँगी ना, उतनी देर में सोया हुआ बच्चा जग जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से मेकअप सेकअप नहीं करती हूँ। जो हूँ आपके सामने हूँ वैसे ही हूँ और ऐसे ही रहती हूँ। तो आज मुझे आप लोगों के साथ कुछ बातें करनी थी, कुछ शेयर करनी थी। आज मूड ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। ऐसा क्यों होता है यार कि जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, अपने लाइफ में कुछ करने की कोशिश करते हो, तो पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाती है। सिर्फ नाम के लिए कहते हैं वो लोग कि वो लोग आपके साथ हैं, सपोर्ट में हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोगों के लिए इतना करने के बाद भी आपके लिए उनके लिए दिल में थोड़ी सी भी आपकी कदर नहीं होती है। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि हम कर किसके लिए रहे हैं, क्या चाहते हैं। जो भी हम लेडीज करते हैं, पूरा दिन करते हैं, हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं है, ना पहले था ना आज है ना कभी रहेगा। इतना कर रहे किस चीज के लिए कर रहे, बस इतना ही तो चाहते हैं कि जो कर रहे उसकी थोड़ी सी कदर, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्यार चाहिए हमें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। शादी से पहले की लाइफ कितनी अच्छा होता है ना, एकदम फ्री फंड, कोई लोचा नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, खाओ पियो और मौज और ऐश करो।